हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर। दोस्तों, मेरे साथ है रोहित जी। ये मेरे पेशेंट हैं लास्ट सिंस 1 ईयर से। इनको एक नोज में प्रॉब्लम थी, ब्लॉकेज था, ब्लीडिंग होती थी। मैं डिटेल में बताऊंगा ये क्या प्रॉब्लम होती है, बट सबसे पहले तो जो ये मास्टर हैं आज, इन्हीं से पूछते हैं कि बेटा इनको अभी जो प्रॉब्लम क्या थी और अभी कैसा फील कर रहे हैं। ट्रीटमेंट में इनको ऑलमोस्ट 1 साल से कंटिन्यू मेरे पास। बेटा आप बताओगे आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरे एंजियोफाइब्रोमा था। इसमें बेसिकली मेरा नाक ब्लॉक हो गया था। इसमें मेरी ब्लीडिंग होती थी, सांस सही से नहीं आता था, स्नोरिंग साउंड आती थी रात को। फिर मैंने सर को दिखाया, उससे सर ने बताया कि आपके नाक में एंजियोफाइब्रोमा है। फिर सर ने मेरा ट्रीटमेंट करा और आज मैं बहुत बेहतर। अब आप आराम से सांस आ रहा है बेटा? अब बहुत अच्छे से आ रहा है। अब अच्छा फील कर रहे हो आप? नॉर्मल फील कर रहे हो। दोस्तों, इनके साथ जो है इनकी गार्जियन है, सिस्टर है, तो इनसे पूछेंगे कि इनको क्या है कि ये इनके साथ रहती है, इनको ज्यादा पता था। बेटा इनको क्या प्रॉब्लम रहती थी अपने रोहित को? सांस नहीं आती थी इसको, और मतलब खराटे भी आता था रात को। तो अभी ठीक है, इसको सांस भी प्रॉपर आती है और खराटे वगैरह सब बंद हो गए। खराटे वगैरह सारा सही बंद है। तो जैसे इसका अपन ने इलाज वगैरह कराया था उस टाइम पे अपने को डर नहीं लगा था कि ये ऑपरेशन कराएंगे? वैसे तो काफी, पर फिर ठीक था। अब आराम से जो है सांस लेता है। थैंक यू दोस्तों। इस ये जो प्रॉब्लम है, ये मैं आपको बताऊं कि जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको भी है कि इसको बच्चे को क्या है कि नोज में एक ट्यूमर था, नेजल मास, और ये बच्चा कंटिन्यू 1 साल से आ रहा है। इसको ये भी पता हो गया है कि मेरे को क्या बीमारी थी, एंजियोफाइब्रोमा। अदरवाइज एंजियोफाइब्रोमा वर्ड सबको पता नहीं होता। तो ये जो नाक में एक ट्यूमर होता है जिसको हम एंजियोफाइब्रोमा बोलते हैं, ये पार्टिकुलरली आप ये देखिए 14 साल से जो 18-20 साल के जो लड़के होते हैं उनमें ये बीमारी होती है। और लड़कियों में ये बहुत रेयर से रेयर होती है, लड़कों में होती है। ये नाक के पीछे एक मास बन जाता है जिसको हम लोकल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में, खून की गांठ बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, नाक के अंदर जो है वो कभी कभी नक्सी रहना है और नाक बंद रहना है। तो अगर ऐसी समस्या किसी को रहती है कि आपका नाक बंद है बच्चे का, आपका लड़का है 15-16 साल 18 साल का है, और कभी कभी नाक से ब्लीडिंग आती है, तो आपको सतर्क होकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे इसके रोहित जी के थी, इनको भी ऐसा ही था। एंड देन हमने एक सीटी स्कैन कराई तो पता लगा कि काफी बड़ा सारा एक एंजियोफाइब्रोमा का मास है जो गाल की हड्डी और दिमाग के नीचे तक जा रखा है। हालांकि इन्होंने समय रहते जो है, जैसे मैंने समझाया, इन्होंने समय रहते उसका इलाज कराया, तो वो दूरबीन से, एंडोस्कोपिक से ही वो पूरा मास हटाया। एंड उसके बाद के अंदर जो है, पूरा हटाने के बाद के अंदर इनको क्या है कि चेहरे पे बाहर कोई जो है ऐसा डिसेबिलिटी या डिसपिगमेंट कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि इन्होंने क्या समय पे जो है उसका इलाज करा लिया। एंड 1 साल से ये बिल्कुल बढ़िया है, इनको स्नोरिंग भी नहीं होती, ब्लीडिंग भी नहीं होता, सांस भी। लेकिन ये मेरे फॉलोअप में जब भी मैं बुलाता हूँ आना है। इसलिए दोस्तों, अगर कभी भी किसी को नोज में ब्लीडिंग, नेजल ब्लॉकेज है और यंग लड़का है, तो तुरंत ऐसी बीमारी हो सकती है, हमें इलाज कराना चाहिए जिससे आगे कोई उसका कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। एंड थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।